देश की संसद में कई मुद्दों को लेकर बहस होती है। इस बहस के बीच कई बार सांसदों की कई हरकतें वाद विवाद का कारण बन जाती हैं। कई बार सांसदों को सोते या फोन चलाते देखा गया है, लेकिन बहस के बीच कोई सांसद अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दे तो आप क्या कहेंगे? ये हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं, ऐसा सच में हुआ है। दरअसल इटली की संसद में वित्त मंत्री भूकंप पर भाषण दे रहे थे। इस दौरान वो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया और अंगूठी निकालकर शादी का प्रस्ताव भी रख दिया। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक इटली की संसद में वहां के वित्त मंत्री फ्लेवियो डी मूरो देश के अलग अलग हिस्सों में आए भूकंप को लेकर सरकार के कामों की जानकारी दे रहे थे और इस पर बहस भी चल रही थी। इस दौरान वो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और अंगूठी दिखाते हुए पूछा कि एलिसा मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर वहां मौजूद सांसद तालियां बजाने लगे और कुछ सांसद ने उन्हें गले से भी लगा लिया। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सांसद की प्रेमिका ने भी इस प्रस्ताव को खुशी से स्वीकार करते हुए शादी के लिए हाँ कर दी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।